साइड मौसम हो रहा है यार, क्या ही नजर है कसम से। अरे चाचा ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया बेटा? अरे पागल हो गए हो क्या? क्यों दफना रहे हो उस ग्लेशियर को? ग्लेशियर दफना रहा हूँ, मेरा किसी काम के नहीं है, अब मैं भूला हो गया हूँ। अब मुझे शौक नहीं है पबजी में ग्लेशियर चलाने का। अरे मुझे दे दो यार, क्या कर रहे हो ये? चाहिए तुझे? हाँ हाँ चल ले जा, ले जा, लेकिन इसकी देखभाल सही से करियो। हाँ हाँ इसका मैं बहुत ख्याल रखूंगा, मेरी तो फेवरेट है ग्लेशियर, वो अलग बात है आज तक निकली नहीं मेरी, मैंने इसको बचपन से पाला है अपने। खैर आप दे दो, मैं बहुत ख्याल रखूंगा इसका। देखभाल सही से करियो, मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर तू उसका साथ देगा ये तेरी साथ देगी। हाँ लाओ लाओ ये पकड़। देखभाल सही से करियो, मैं तुझे बहुत ख्याल रखूंगा। शुक्रिया शुक्रिया। सही है फिर मैं जा रहा हूँ। वाह भाई फ्री में ग्लेशियर मिल गई, पबजी वालों ने तो दी थी, किस्मत से चाचा के पास थी और मिल गई। हाय हाय ग्लेशियर। और यहाँ से मेरी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। सॉरी ग्लेशियर सॉरी, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, वो चाचा ना आ जाए हमें, सॉरी यहाँ से चलते हैं यार। लेकिन किसको पता था आगे ये होने वाला था। और फिर एक दिन ग्लेशियर अपनी जगह से गायब थी। उसी दिन से मैंने ग्लेशियर की तलाश शुरू कर दी। से चुराया था जो न बनाया था, वो तेरा वो मेरा, वक्त से चुराया था जो सपना सजाया था। चोर चलिया ग्लेशियर के बिना मेरी जिंदगी तो जैसे उखड़ ही गई थी और मैं आधा पागल हो चुका था ग्लेशियर की याद में। किसे कह रहे हैं जहाँ से लिखा यही छोड़ दूंगी, जितने हैं तुम सारे का सारे। लकीरों पे लिखते क्यों जुदाई। ग्लेशियर मुझे मेरी ग्लेशियर वापस चाहिए, मुझे मेरी ग्लेशियर चाहिए, मुझे मेरी ग्लेशियर। ग्लेशियर कहाँ चले गए यार, तू मुझे छोड़ के मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा मेरी ग्लेशियर। बोलूं जो पाना बस तू ये सिमट रहे आँखों के आगे, लम्हे ये क्यों घट रहे हैं, जान कैसे कोई सहता जुदाइयां। चदरिया तेरी है जीनी, चद
ग्लेशियर को ढूंढते ढूंढते मैं थक जरूर गया था, लेकिन हारा नहीं था। मैंने सोच लिया मुझे ही खुद कुछ करना पड़ेगा, और मैंने एक फैसला किया कि मैं खुद ग्लेशियर बनाऊंगा, और इस चीज का मैंने एक पक्का इरादा कर लिया था। क्योंकि अब कोई चारा नहीं बचा, अब मुझे करना पड़ेगा। और काफी मेहनत के बाद फाइनली मैंने अपनी ग्लेशियर बना ही। वो कहते हैं ना, इरादे मजबूत हो तो जो काम आप चाहते हैं वो हो ही जाता है। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी जब मैंने देखा मैंने ग्लेशियर बना लिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों पर। तो फाइनली मैंने सोचा अब मैं इसको कराची लेके जाऊँ। ग्लेशियर भी बन गई और मैं उसको कराची भी ले आया। और किरांची की गर्मी तो तुम्हें पता ही है ना यार, ग्लेशियर तो कहीं नजर नहीं आ रही, अब सिर्फ M4 रह गई है। खैर बहुत हो गया मजाक, अब तुम लोग ये क्लिप चेकआउट करो। ये बंद कर दो। अब तुम लोग हैरान परेशान नहीं हो, बताऊंगा, रुको जरा सबर करो। उससे पहले मैं तुम लोग को बता दूं, मैं आने वाला हूं आज फेस कैम के साथ लाइव 10 रॉयल पास का गिव अवे करने 9 बजे फरहान YT के चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, फरहान YT को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि मैं लाइव आऊं तुम्हें पता चल जाए। और फरहान भाई के चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मुझे लिटिल के लिए दिया गया था गिफ्ट, और मैंने वो जाकर लिटिल को दिया, और लिटिल का रिएक्शन तुम लोग खुद ही देख ले रहे हो। क्या क्या ले रहा है यार, मजा आ गया यार मुझे तो। सनी भाई की क्रेडिट ओपनिंग से ज्यादा मजा आ गया। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो गाइस फरहान भाई की तरफ से जो भी गिफ्ट है आपके भाई ने ले लिए। पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पहला है, उस पर क्लिक करके वीडियो देख लेना पूरी बाद में। पहले आप स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी थी 10 बजे की कराची की फ्लाइट, और आपका भाई पहले ही बहुत लेट हो चुका था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। आपका भाई सूटकेस लेके भागा 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 जा रहा था, तो आपके भाई को गुड्डी से पकड़ के पीछे खींच लिया गया। सिक्योरिटी गार्ड ने गुड्डी से पकड़ के बोला इसके अंदर क्या लेके जा रहे हो, खोल के सब कुछ दिखा दो। मैंने बोला यार अभी इतना टाइम नहीं है, जाने दो यार, जाना है यार, लेट हो रहे। उसने बोला नहीं बेटा ऐसे नहीं चलेगा, चेकिंग तो लाजमी होगी। तो मैंने बोला चलो दिखा देते हैं। खोला फिर पूरा का पूरा सूटकेस, और उसके अंदर से निकली गने, एक भी नहीं दो भी नहीं तीन गने। प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ क्या, क्या 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 समझ रहे हो, है मैं असल गने लेके जाऊंगा। उन्होंने बोला बेटा ये क्या लेके जा रहे हो। मैंने बोला क्या हो गया, प्लास्टिक की गने ही तो है और क्या। उन्होंने बोला ये नहीं लेके जा सकते, मैं नहीं ले जाने दूंगा ये सब, नहीं नहीं पिछले का भी उठा के रख दिया, तुम्हारा भी ये उठा के रख देंगे। मैं तो तन फना सा गया, क्योंकि उन तीन गनों में से एक गन हमारी प्यारी सुंदर सुशील M4 ग्लेशियर भी थी। देखो पबजी में जो मेरे पास ग्लेशियर है ठीक है, वो भी मुझे प्यार है उससे, लेकिन ये जो मैंने घर पे बनाई हुई है ना अपनी ग्लेशियर अलग से, इससे मुझे ज्यादा प्यार है। क्योंकि यार इसके साथ मैंने काफी ज्यादा वीडियो शूट करी है, कहीं भी मैं शूट वगैरह पे जाता हूँ तो इसको लेकर जाता हूँ, क्योंकि इसका रोल होता है वीडियो के अंदर एक। और कल ही एक शॉर्ट वायरल हो गई, 2 मिलियन+ व्यूज चले गए ग्लेशियर की वजह से। तो समझ रहे हो ना यार, प्यार थोड़ा और बढ़ जाता है। खैर ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। तो उन लोगों ने सीधे तरीके से बोल दिया भाई साहब ये नहीं लेके जा सकते आप। अब जिनके साथ हम एयरपोर्ट तक आए थे वो लोग भी आगे निकल गए थे। अब हम क्या करते, आधे रास्ते में थे एयरपोर्ट के, हमने बोला ले जाने दो यार, क्या चला जाएगा तुम्हारा, पहले तो तुम लोग एयरपोर्ट की वो वीडियोस देख कर आओ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे इन लोग ने प्लास्टिक के गनों को रोक लिया। बताओ भी खरीदी है नंगी M4 ग्लेशियर तो मैं कराची से लाया हूँ, अभी ये लोग रोक रहे हैं। तुम्हें तो पता है यार तुम्हारे भाई के लिए ग्लेशियर कितनी कीमती है। काफी जद्दोजहद के बाद फिर उन्होंने बात की है कि ये हमारा रूल है कि ये सब नहीं ले जा सकता कोई। लेकिन बात तो ये थी कि मैं कराची एयरपोर्ट से इस्लामाबाद लेकर आया हूँ, जब मुझे कराची एयरपोर्ट पे किसी ने क्यों नहीं रोका कि भाई ये नहीं ले जा सकते, ये वो क्या बोले यार, पाकिस्तान है। कराची एयरपोर्ट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रूल अलग है क्या, समझ से बाहर है यार, क्या करें। खैर वैसे ही फ्लाइट वगैरह के लिए लेट हो रहे थे, तो हम लोग ने कंप्लेन वगैरह लिखवा के इन झमेलों से निकल के तीनों गनों को भेज दिया टैक्सी में अपने किसी रिश्तेदार के पास इस्लामाबाद में, ताकि वो वहाँ से TCS हमारे कराची घर पे करवा दे। अब ये टैक्सी बुक करवा रहे हैं, टैक्सी से भेजेंगे कहीं रिश्तेदार वगैरह के पास इस्लामाबाद में, फिर वो कराची से TCS करेगा। तो फाइनली हमारी ग्लेशियर आ चुकी है, काफी 5 दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो
फाइनली हमें ग्लेशियर मिल चुके हैं। कोई नहीं, मसले वाली बात ही नहीं है, छोटे मोटे मसले होते रहते हैं जिंदगी में। और ग्लेशियर तो भाई लव है ना यार अपनी, तुम्हें तो पता है यार, इसको पाने के लिए हम 7 समंदर पार भी जा सकते हैं। तो ये सब छोटे मोटे झमेले क्या चीज है। बाकी यार फाइनली हमें ग्लेशियर मिल चुकी है, दिल को भी तसल्ली हो चुकी है। ठीक है, ग्लेशियर ने हमारा काफी साथ दिया, इस चैनल का एक हिस्सा है ये ग्लेशियर। ठीक है, और गेम में जो है वो तो है ही, लेकिन इसका भी अलग ही लेवल है, समझ रहे हो ना। बाकी यार उम्मीद है तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ तक जिसने देखा है थैंक यू सो मच दिल से। और मैं मिलूंगा तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। चलो शाडो शाडो।